हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना। स्वागत है आपका अंजना किचन में। आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल में आलू की टिक्की, जो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनती है। तो चलिए आलू की टिक्की बनाना शुरू करते हैं। आलू की टिक्की बनाने के लिए मैंने लिए उबले हुए 8 से 9 आलू, 2 चम्मच बेसन, 1 कटोरी अरारोट, 1 कटोरी उबली हुई चने की दाल और थोड़े से फ्रोजन मटर, थोड़ा सा पनीर, 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम आलूओं को अच्छे से ग्रेट करेंगे। हम आलू को हाथ से भी मैश कर सकते हैं, पर अगर हम उसे हाथ से मैश करेंगे तो उसमें मोटा मोटा आलू रह जाता है, इसलिए हम इसे हाथ से मैश नहीं करेंगे, इसे हम ग्रेटर से ही ग्रेट करेंगे। लीजिए, अब हमने सारे आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और अब हम इसमें 2 चम्मच जो हमने बेसन लिया है उसे डालेंगे। लीजिए, अब हमने इसमें बेसन डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन का यूज हमने इसमें आलू को अच्छे से बाइंडिंग के लिए किया है। देखिए, लीजिए, अब हमने इसमें बेसन को अच्छे से मिक्स कर दिया है। लीजिए, और अब हम इसमें जो हमने अरारोट लिया है उसे ऐड करेंगे। लीजिए, मैंने यहाँ 2 चम्मच अरारोट ऐड कर दिया है। आप अरारोट अपने हिसाब से ही ऐड कीजिए। अगर आपके आलू थोड़े गर्म हैं तो अरारोट इसमें ज्यादा लगेगा, अगर आपके आलू थोड़े ठंडे हैं तो उसमें अरारोट कम लगेगा, और अगर आलू आपके पानी ज्यादा छोड़ते हैं तब भी आप इसमें अरारोट का यूज ज्यादा ही कीजिए। लीजिए, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, और अब हम इसमें थोड़ा सा अरारोट और डाल देंगे। देखिए, लीजिए, मैंने 2 चम्मच इसमें अरारोट और मिक्स कर दिया है और इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ऐसे। अगर आपके आलू की बाइंडिंग अभी अच्छे से नहीं हुई है तो आप इसमें थोड़ा सा अरारोट और भी ऐड कर सकते हैं। लीजिए, अब मैंने इसका एक डो लगाकर तैयार कर दिया है और अब हम सबसे पहले टिक्की की जो फिलिंग है वो तैयार करेंगे। लीजिए, अब मैंने एक प्लेट में उबले हुए चने की दाल डाल दी है और उसी में मैंने मटर भी डाल दिए हैं। अगर आपने फ्रेश मटर लिए हैं तो आप उसे उबालकर यूज कीजिए, पर मैंने यहाँ फ्रोजन मटर लिए हैं तो मैंने उन्हें ऐसे ही डाल दिया है। लीजिए, अब हम इसके अंदर ही पनीर को भी अच्छे से ग्रेट करेंगे। देखिए, लीजिए, अब मैंने पनीर को भी ग्रेट कर दिया और अब हम इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा ही चाट मसाला भी ऐड करेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप मसालों की क्वांटिटी अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, अब हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हमने जो आलू का डो तैयार किया है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ पर लेकर उसे अच्छे से गोल करेंगे और उसे थोड़ा सा दबाकर उसके अंदर हम जो हमने फिलिंग तैयार की है उसे डालेंगे। लीजिए, अब हमने इसमें फिलिंग डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से बंद करेंगे। देखिए ऐसे, और अब हम इसे एक लोई की तरह बना लेंगे। लीजिए, अब मैंने इसे लोई की तरह बना दिया है और अब हम इसे हाथ से प्रेस करेंगे। लीजिए, अब हमारी एक टिक्की बनकर तैयार है और अब हमने तवे पर तेल भी रख दिया है। देखिए देखिए, अब तेल गर्म हो चुका है और अब हम उसमें जो हमने टिक्की तैयार की है उसे डाल दिया है। लीजिए, अब हमने 2 टिक्की तवे पर रख दी हैं और अब हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। हमारी टिक्कियां सिक रही हैं तब तक हम लाल चटनी तैयार करते हैं। लाल चटनी के लिए मैंने लिया 1 कटोरी चीनी, 1/3 कटोरी अमचूर पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें हमने जो 1 कटोरी चीनी ली है उसे डालेंगे और उसी के अंदर हम अमचूर पाउडर भी ऐड करेंगे और अब हम इसमें जो सारे मसाले हमने लिए हैं उन्हें भी ऐड करेंगे। हम जो ये रेड वाली चटनी है बिल्कुल मार्केट की जो चटनी है उसी की तरह ही बनाकर तैयार करेंगे। लीजिए, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। लीजिए, अब हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। लीजिए, अब हमने पैन को गैस पर रख दिया और गैस को भी ऑन कर दिया है। देखिए, और अब हम इसमें 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे। लीजिए, मैंने इसमें 1 कटोरी पानी भी ऐड कर दिया है और अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। देखिए, अब इधर से जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो सिक रही हैं और इन्हें हम अच्छे से हिला लेंगे। देखिए, जो ये रेड चटनी है बिल्कुल मार्केट की रेड चटनी की तरह ही बनकर तैयार होगी।
जी अब मैंने पानी इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस चटनी को बनाने के लिए हमें ना तो इमली की ज़रूरत है और ना ही गुड़ की। हम इसे अमचूर पाउडर से ही बनाकर तैयार करेंगे और वो भी बिल्कुल मार्केट की रेड चटनी की तरह। देखिए इधर से जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो भी नीचे से सिक चुकी हैं और हमने इसमें एक टिक्की और लगा दी है। और अब हम पहले वाली टिक्कियों को ऐसे पलट लेंगे। देखिए ऐसे ही हम दूसरी वाली टिक्की को भी पलट लेंगे। ये जब मैंने दोनों पहले वाली टिक्कियों को पलट लिया है और ऐसे ही हम इनको दूसरी साइड से भी गोल्डन होने तक सेक लेंगे। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी टिक्की बनकर तैयार होगी जिसे खाने में बहुत ही मजा आ जाएगा। देखिए इधर से जो हमारी रेड चटनी है वो भी उबल चुकी है। देखिए देखिए अब जो हमारी तीसरी टिक्की है उसकी भी हम साइड चेंज करेंगे। देखिए हम जो हमने तीसरी टिक्की डाली थी उसकी भी साइड चेंज कर दी है और अब हमने पहले वाली टिक्कियों को भी साइड चेंज कर दी है। देखिए ये दूसरी साइड से भी गोल्डन हो चुकी है। देखिए टिक्कियों को हम मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे, हम इन्हें हाई फ्लेम पर नहीं तलेंगे। देखिए तीनों टिक्कियां कैसे गोल्डन हो चुकी हैं। और अब हम रेड चटनी को देख लेते हैं। फिर से रेड चटनी है वो भी उबल चुकी है और हम इसे ऐसे एक बार हिला लेंगे। देखिए और हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे और हम इसे हिलाएंगे। देखिए देखिए बिल्कुल जो मार्केट की रेड चटनी है उसी तरह ही हमारी चटनी भी बनकर तैयार हुई है। लीजिए अब हमने गैस को भी ऑफ कर दिया है और हमारी रेड चटनी बनकर तैयार है। देखिए इधर से जो हमारी टिक्कियां हैं वो भी सिक रही हैं और हमने इसमें एक टिक्की और लगा दी है। इसी तरह ही जो मार्केट में टिक्कियां बनाते हैं वो भी इसी तरह ही जो टिक्की बनती जाती है उसी साइड में कर देते हैं और साथ में दूसरी टिक्कियों को भी लगा देते हैं। देखिए और हम भी आज उसी तरह से ही टिक्की बना रहे हैं। देखिए मैंने इसमें जो तीन टिक्की थी उन्हें साइड कर दिया है और इसमें तीन टिक्की और लगा दी है। ग्रीन चटनी तैयार करेंगे। ग्रीन चटनी के लिए मैंने लिया धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, सफ़ेद नमक, काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, अमचूर पाउडर और चाट मसाला। और अब हम चटनी के लिए एक जार में धनिया को डालेंगे। लीजिए अब हमने सारा धनिया एक जार में डाल दिया है और उसी जार में हम पुदीने को भी डाल देंगे। लीजिए मैंने पुदीना भी इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन सबको इसी में डाल देंगे। और जो हमने नमक, काली मिर्च, सफ़ेद नमक, अमचूर पाउडर और चाट मसाला लिया उसे भी इसमें डाल देंगे। लीजिए अब हमने इसका ढक्कन भी बंद कर दिया और इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। लीजिए हमारी ग्रीन चटनी भी बनकर तैयार है और अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। लीजिए अब हमने इसे एक कटोरी में निकाल लिया है और इधर से जो हमारी तीन टिक्की हैं उन्हें हमने उतार दिया है। देखिए और अब हम तीनों टिक्कियों की साइड चेंज करेंगे। देखिए अब हमने एक टिक्की की साइड चेंज कर दी है, वो एक साइड से गोल्डन हो चुकी है। और अब हम ऐसे ही बाकी की बची सारी टिक्कियों की साइड चेंज करेंगे। देखिए वो भी वैसे ही गोल्डन हो चुकी है। देखिए अब जो हमारी तीनों टिक्कियाँ हैं वो भी अच्छे से सिक चुकी हैं और अब हमने सारी टिक्कियों को एक साइड में लगा दिया है। और अब हम एक टिक्की को अपने हाथ पर लेकर उसे थोड़ा प्रेस करेंगे। देखिए ऐसे, इन्हें हम ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे। ऐसे ही मार्केट में भी हमें टिक्की को थोड़ा प्रेस करके उसे दोबारा गर्म करके मिलती है, तो हम भी आज उसी तरह ही टिक्की को बनाकर तैयार कर रहे हैं। लीजिए अब मैंने दूसरी टिक्की को भी हल्के हाथ से प्रेस करके उसे तवे पर रख दिया है और अब हम इन टिक्कियों को दोनों साइड से अच्छे से गर्म करेंगे। अगर हम टिक्की को एक ही बार सेकेंगे तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगी, इसलिए हम टिक्कियों को दोबारा से सेकेंगे जिससे कि जो हमारी टिक्की है बिल्कुल मार्केट की टिक्की की तरह क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। देखिए अब हमने इसे एक साइड से गर्म कर दिया है और अब हम इसे दूसरी साइड से भी इसी तरह ही
सेक लेंगे। देखिए अब जो टिक्की है वो किस तरह सिकने के बाद क्रिस्पी बन चुकी है। देखिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। लीजिए अब हमने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। देखिए अब जो ये टिक्की है बिल्कुल मार्केट की टिक्की की तरह ही बनकर तैयार हुई है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए बिल्कुल मार्केट की टिक्की की तरह ही हमारी भी टिक्की बनकर तैयार हुई है। और अब हम इसे थोड़ा सा तोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसे ज़्यादा तोड़कर भी सर्व कर सकते हैं, पर मैंने इसे थोड़ा ही तोड़ा है। और अब हम इस पे सबसे पहले जो हमने रेड चटनी तैयार की है उसे डालेंगे और थोड़ी सी चटनी हम इस पर और डाल देंगे। लीजिए अब हमने इस पर रेड चटनी डाल दी है और अब हम इसमें जो हमने धनिया और पुदीने की चटनी तैयार की है उसे भी डालेंगे। देखिए और अब हम इस पर थोड़ी सी दही डाल देंगे। दही को मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डालकर फेंट लिया है और इसी तरह की ही दही हमें मार्केट में जब हम टिक्की खाते हैं उस पर मिलती है, तो आप भी दही में थोड़ी सी चीनी डालकर उसे फेंट सकते हैं। लीजिए अब हमने इस पर दही डाल दिया और अब हम इस पर थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा ही चाट मसाला भी स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च भी हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे। लीजिए अब हमारी जो टिक्की है वो बनकर तैयार है और हम इसे खा सकते हैं। और आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए।